हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पनीर 65 बना रही हूं। ये एक ऐसा स्टार्टर है जिसे आप किसी भी छोटी मोटी पार्टी में सर्व करने के लिए बना सकती हैं। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। पनीर 65 खाने में थोड़ी तीखी, चटपटी और मज़ेदार होती है, तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पनीर 65 बनाने के लिए एक बॉल में मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसे मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून मैदा, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारा पनीर ड्राई कोट हो जाए। सारे पनीर के पीसेस में अच्छे से ड्राई कोट हो गया है, तो मैं अब इसमें नमक डाल दूंगी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 नींबू का रस, आप इसके जगह दही भी डाल सकते हैं। अब इसे सूखा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से कोट कर लूँगी। इसे पतला बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। देखिए, ये इतना गाढ़ा ही रहेगा। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए, ये इतना ही गरम रहेगा। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब मैं इसमें पनीर डालती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पनीर फ्राई करूंगी। ये पनीर गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो मैं इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ। इसी तरह बाकी बचे पनीर भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये पनीर फ्राई हो गए हैं, तो मैं इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसका सॉस बनाऊंगी। अब मैं एक आयरन कढ़ाई में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। कढ़ाई को अच्छा गरम कर लेना है। इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देती हूँ, 8-10 करी पत्ते हैं, 8-10 लहसुन बारीक काट लिया है, इसे भी डाल दूँगी, 3 हरी मिर्च है लंबी कटी हुई, 1/2 प्याज बारीक कटा हुआ और 1 प्याज का मैंने स्लाइस निकाल लिया है, 1 छोटी शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने स्क्वायर काट लिया है। अब मैं इन सबको हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे सौते कर लेना है। अब तड़का सौते हो गया है, तो अब मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ। अब एक बाउल में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी। इसमें थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें 2 टेबल स्पून दही डाल दूंगी। अब इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डाल दूंगी। दो टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 पिंच मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। अब मैं इसमें दही वाला पेस्ट डाल दूंगी और इसे लो फ्लेम पर ही डालें और लगातार चलाते रहें, नहीं तो दही फट जाएगा। हमें सॉस को ऐसे ही रखना है, न ज़्यादा गाढ़ा न पतला। अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें सारे पनीर के पीसेस डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
ये पनीर 65 बनकर रेडी है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये मेरा पनीर 65 बनकर रेडी है। आप इसे एज अ स्टार्टर अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।